बच्चों क्लास 10th मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो कल पढ़ा है, कल के वीडियो में जो देखा है, उससे उसी एक्सरसाइज 2.3 के उदाहरण नंबर 8 को हल करेंगे। क्योंकि इसमें थोड़ी सी विशेषता है, इसलिए ये प्रश्न बताया जा रहा है आपको। आप देखेंगे कि यहाँ 3x² है माइनस एक्स क्यूब है, -3x + 5 को x-1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन और विभाजन की सत्यता की जांच कीजिए। अगर यहाँ पे भाग भी देना है और भाग देने के बाद में विभाजन एल्गोरिथम जो है इसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और हो रही है कि यहाँ पे घात 2 है तो घात 3 है। इधर आप देखेंगे कि x-1 और -x² मतलब जो बहुपद है वो बहुपद के रूप में जो मानक रूप है उसमें जमा हुआ नहीं है। तो पहले तो हम एक बहुपद को मानक रूप के हिसाब से जमाएंगे और फिर हम विभाजन प्रक्रिया को हल करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास में सबसे पहले आप देखेंगे कि भाज्य कौन है। तो भाज्य है हमारे पास में 3x² - x³ - 3x + 5। तो सबसे पहले हम जमावट मानक रूप में करते हैं, बड़ी घात के लिए -x³, फिर उससे छोटी घात +3x², फिर -3x + 5। पहले हम इसको इस तरह से जमाएंगे घातों को, कौन से क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या हम कहें अवरोही क्रम में जमा देते हैं। इसी तरह से उस भाजक की घातों को भी हम अवरोही क्रम में जमा लेंगे, -x² + x - 1। ऐसा करने के बाद में बाकी की पूरी प्रक्रिया हम वही करेंगे जो हमने कल के वीडियो में करी थी, पूर्व के वीडियो में करी थी। सबसे पहले आप देखेंगे -a, यहाँ x² है तो यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, तो घातों की तुलना करी एक घात कम है, इसलिए हम केवल यहाँ पे किसका गुणा करेंगे, x का। x के साथ में गुणा करने पर अब इसका उत्तर में x में गुणा करेंगे। तो मैंने गुणा करने का तरीका भी आपको बताया था, जैसे कि ये लिखा अलग से रफ में x का गुणा किया, x का -x² में गुणा करेंगे -x³ आ जाएगा, x का x में गुणा करेंगे +x² आ जाएगा, x का -1 में गुणा करेंगे -x आ जाएगा। घटाने पर घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे वाली संख्या के माइनस के प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएंगे। अब यहाँ 3x² है, इसमें से 1x² को घटा देंगे तो 2x², ये घटाना है, इस चिन्ह को नहीं देखना है, ये चिन्ह हमारे काम के नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये 1 है प्लस 1x में से 3x को घटाना है तो माइनस के 2x, ठीक है, प्लस के 5। तो अब आपके पास में क्या आया, शेषफल 2x² - 2x + 5, ये शेषफल आया है। फिर से हम देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक तो माइनस लेंगे, इसका गुणांक एक कुछ भी नहीं है, तो 2 * 2, ये गुणांक 2 ले लेंगे, x² है, यहाँ पे भी x² है, ठीक है। तो इसलिए अब हमें कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ x - 2 लेना, यानी कि 2, तो -2 का गुणांक करेंगे। यहाँ पे हमने -2 लिखा, गुणा किया, माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, 2 का x² में गुणा हो जाएगा 2x², माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 * 2 आ जाएगा। घटाने पे चिन्ह बदल गए, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, 5 में से 2 हो गए, कितने चिन्ह आपके पास में, 3। ये शेष पर आया, कल इस प्रकार का सवाल आपने किया था, इसलिए ये समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, शेषफल की जांच करनी है, जो विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। हम जानते हैं कि ये हमारा भागफल है, ये भाजक है, ये भाज्य है और ये शेषफल है, ठीक है। तो हमारे पास में इन सभी चीजों को लिख लेंगे, भागफल x-2, भाजक x-x² + x - 1, भाज्य ये बहुपद गुणा शेषफल 3। ऐसे चारों चीजें लिख लेंगे, लिखने के बाद में अब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं।
आपने देखा होगा सत्यता की जांच करने में हमने एक सूत्र पूर्व की वीडियो में बताया है। सूत्र क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणी शेषफल, भाजक गुणी भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये बताया था आपने। हम यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और विभाजन प्रक्रिया की, विभाजक एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है, सत्यता की जांच। अब ये जांच करी हमने, तो आप देखते हैं सबसे पहले भाज्य, तो भाज्य ये है 3x² - x³ - 3x + 5, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखा हुआ हमारे पास में, ये आना चाहिए हमारे अंदर। भाजक देखिए, भाजक क्या -x² + x - 1, हमने यहाँ लिखा -x² + x - 1। भागफल, भागफल क्या है x - 2, ये x - 2 प्लस शेषफल कितना है 3, ये शेषफल 3। अब आप इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, गुणा में हम देखते हैं कि ये x है, x का इसमें पूरे में गुणा करेंगे, मैंने यहाँ लिखा x - x² + x - 1, केवल x का गुणा हुआ है, अभी -2 बाकी है, हमने फिर लिखा -2 का गुणा करेंगे, -x² + x - 1, इस पूरे में फिर से -2 का गुणा, बचा हुआ कौन है 3 प्लस 3, ये 3 बच गए। अब गुणा कर लेते हैं, x का x स्क्वायर में -x³ + x का x में x² फिर x का -1 में -x -+ 2 का x स्क्वायर में 2x² -+ पहले इसका इसमें क्या फिर दो एक वन दो एक्स फिर ये माइनस फिर ये माइनस 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 प्लस ये आ गया आपके पास में दो एक वन दो प्लस के तीन, ठीक है। अब यहाँ देखिए -x³ x² है, 2x² है, 2x² और 1x² जुड़ गए, कितने हो गए ये 3x² हो गए, माइनस का x है, माइनस के 2x है, -2x और -1x मिलकर के हो गए माइनस के 3x प्लस 2 में 3 जुड़ गए कितने हो गए 5। अब आप देखेंगे कि हमारा भाज्य ये है कि नहीं, देखना ये देखिए -x³ + 3x² - 3x + 5, ये पूरा यहाँ पे तुलना कीजिए, है बराबर, यानी कि विभाजक एल्गोरिथम जो हमने किया है वह सत्य है, यानी कि हमारा जो भागफल x - 2 है, शेषफल 3 है और हमारी जो प्रक्रिया है वो सही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार का कोई प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो आपको इस प्रकार से करना है और उसके लिए ये सूत्र विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक, ओके।